वेलकम बैक। ठंडियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए मैं आज बना रही हूँ छोले। और ये मेरे नाश्ते की थाली है जिसे मैं अपने हस्बैंड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आज संडे होने की वजह से थोड़ा सा लेट ही सारा काम स्टार्ट होता है, और इसलिए मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए थे विथ सम सॉल्ट और बेकिंग सोडा। फिर मैंने यहाँ पे सब्जियों को काट के प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे लहसुन, मिर्ची, अदरक, प्याज और टमाटर छील करके जल्दी से उसको काट लिया। फिर जब मैंने कुकर ओपन किया तो देखिए मेरा पूरा का पूरा जितने भी छोले थे अच्छे से मशी टाइप के हो गए हैं। मैं छोले के ज़्यादा कड़क नहीं पसंद करती हूँ, उसको थोड़ा मशी ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक चटनी जिसे मैं जिंजर गार्लिक के साथ में उसको डालती हूँ, जिसमें धनिया, हरी मिर्ची, जिंजर गार्लिक दो चारों चीज़ें डालता है। ये एक्चुअली मेरी मम्मी की रेसिपी है कि अगर अरोमा बहुत अच्छा चाहिए किसी भी सब्ज़ी में तो इस चीज़ को डाल करके आप उसकी अरोमा को बहुत अच्छा ले सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको दरदरा पीस लिया है। फिर मैंने प्याज को बहुत ही ज़्यादा बारीक काटा, जितने मैं अपनी कैपेसिटी से एकदम पतला पतला काट सकती हूँ उतना मैंने उसको पतला फाइन चॉप किया है। और प्याज काटने में कभी कभी मुझे डर लगता है क्योंकि ऐसा भी बहुत बार हो चुका है कि मेरे हाथ कट चुके हैं। तो मैंने जल्दी से सारी की सारी वेजीज़ को चॉप किया, और ज़्यादा इसमें मतलब घर की थाली है, डेली थाली है, तो फिर इसमें मैं ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मसाले जो होते हैं वो सब नहीं यूज़ करूँगी। नॉर्मली जो हो सकता है वही सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने एक ही टमाटर यूज़ किया सब ग्रेवी में। अब मैं इसको पीस भी सकती थी लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चंकी बनाया सब्ज़ी को, क्योंकि मैं बता रही हूँ डेली सब्ज़ी है, उस मॉर्निंग का टाइम है तो ज़्यादा तेल मसाला बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून चाय पत्ती डाली। ये एक्चुअली कलर देने के लिए है, क्योंकि वो जो ब्राउनिश कलर होता है छोलों का वो ऑथेंटिक चाय पत्ती की वजह से ही आता है। तो उसमें डालने के बजाय मैं उसका पानी चाय पत्ती का ही यूज़ करती हूँ, जिससे वो एक्चुअली बाद में उस चाय पत्ती की नेक्स्ट टाइम चाय बन जाए और छोलों में उसका कलर भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पे जो पानी था उसको स्ट्रेन करके सारा का सारा उसमें डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया, उसमें ज़ीरा और हींग डाला। हींग से थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, हल्का सा टेस्ट समझ में आता है। फिर मैंने वही जिंजर गार्लिक, धनिया और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था उसको डाला और उसको हल्का सा सॉटे होने दिया। फिर मैंने यहाँ पे अनियन डाल करके उसको थोड़ा सा जलने तक जो प्रोसेस होती है तब तक मैंने उसको फ्राई किया, जिससे मेरा जो प्याज है उसमें ये मीठापन ना रह जाए, क्योंकि ज़्यादा मीठा होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1.5 टीस्पून धनिया, फिर हल्दी आधा चम्मच, मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची, और 3/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला। और फिर मैंने इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो जार में मैंने थोड़ा सा पानी रखा हुआ था डाल करके ग्रीन चटनी वाला, उसी को उसमें डाल दिया। तो इससे क्या होता है ना कि वो जो पानी है ना, वो जो बचा हुआ टेस्ट जो बचा रहता है वो उसमें फिर से इंक्लूड हो जाता है। फिर मैंने जो टमाटर काटा था उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, जो चंकी फ्लेवर था वो भी इसमें फिर आ ही जाएगा। थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद में जो ये टमाटो है वो मशी हो जाएंगे, मुझे उनको पूरा नहीं गलाना था। एक्चुअली ठंडियों में भूख बहुत जल्दी लगती है, और अगर आप थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लेते हो तो दिन भर में दोपहर के पहले पहले तक तो आपको भूख नहीं ही लगेगी। तो इसलिए थोड़ा हैवी नाश्ता बनाने की कोशिश की थी आज मैंने, जो मैं सक्सेसफुल भी रहा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया था, और लग भी रहा था कि हाँ भाई बहुत बढ़िया नाश्ता बना है। तो फिर बाद में मैंने सारे टमाटो को मिक्स कर लिया उसमें ऐड करके, फिर मैंने जो मेरे छोले थे उसको ऐड किया। एक्चुअली मैं जनरली क्या करती हूँ ना कि पहले छोले ऐड करके पहले उसको मसाले के साथ मिक्स करती हूँ, फिर पानी उसका ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे नहीं किया। फिर थोड़ा सा गर्म मसाला होममेड बनाया था तो वो ऐड किया, और फिर कसूरी मेथी थोड़ी सी हल्की सी मतलब कुछ एक पिंच डालकर, फिर जितने भी छोले थे उसको मैंने ना थोड़ा रगड़ना स्टार्ट किया, जिससे वो सारे जो छोले हैं कुछ टूट जाएं, थोड़ा सा ग्रेवी मेरी गाढ़ी हो जाए। मैं इसमें कुछ दूसरी चीज़ ऐड नहीं करना चाहती थी इसलिए।
फिर देखिए ढक करके मैंने जब इसको ओपन किया तो थोड़ा मेरा ग्रेवी गाढ़ी हो गई थी और जो लग रही थी कि हाँ अब परफेक्ट तरीके से ये बन चुकी है। फिर मैंने जल्दी से थोड़ा सा आटा गूंदा, एक्चुअली हस्बैंड को निकलना था शॉप के लिए, तो जल्दी जल्दी मैंने आटा गूंद करके रोटियाँ बनाना फिर स्टार्ट किया। एक्चुअली हमारे जनरली इंडियन घरों में यही होता है कि पेड़े काट के रख दिए जाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितनी रोटी बनानी है और कितना हो जाएगा, ठीक है। इनकेस ऑफ अगर कम होती है तो फिर आप फिर से आटा सान करके उसको बनाते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और रोटी बनाने के साथ में उसको सेकती गई। एक ही बार में मैंने सारी रोटी बना ली, क्योंकि मैं बहुत बार बार गैस ऑन करके फिर उसको ऑफ़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं एक ही टाइम पर सारी रोटियां तुरंत बेल लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी से सलाद काटा। सलाद में मैंने आज रखा था गाजर, खीरा और चुकंदर मतलब बीट रूट। तो ये जल्दी से मैंने छीले, छीलने के बाद में मैंने उनको शेप दिया। आपको पता है ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, बाद में पता चली कि जो हमारा जो ये छिलनी होता है उसको अगर आप साइड में जो दांत रहते हैं, दांत टाइप का जो बना रहता है उसे अगर आप खरोचोगे ना, तो उसमें वो जो डिज़ाइन होती है ना शादी में मिलने वाली, वो वाली डिज़ाइन आ जाती है। ये चीज़ मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं करी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि हाँ भाई ये भी ऐसा होता है, सलाद ऐसे काटा जाता है, तो फिर मैं बहुत खुश हुई थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे सलाद बनाना रहा तब मैंने उसको क्रिएट करके ही थोड़ा सा बनाया सलाद, तो उसमें डिज़ाइन अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। तो देखिए मेरी सलाद भी रेडी है। फिर मेरे हस्बैंड को ना चना और गुड़ खाना बहुत पसंद है सुबह सुबह, तो मैंने आज उनके लिए चना और गुड़ भी बना करके रखा हुआ था। तो 5 गुड़ छोटे छोटे से मैंने काट के रखे हुए थे, तो वो मैंने उनके साथ उनकी थाली में लगा दिया। फिर यहाँ देखिए अब मैंने अब थाली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने रखा उनकी सब्ज़ी छोले की, देखिए लग रही है ना टेम्पटिंग, बड़ी मज़ार अच्छा लगा था देखने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगा। हल्का मुझे लगा कि नमक कम है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनका गुड़चना रख दिया। उनकी सैलड रखने के बाद में फिर मैंने रोटी, एक्चुअली घी लगी, कभी कभार अच्छी लगती है, हम लोग तो जनरली डेली खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे आज, लेकिन मैंने उनकी रोटियों में भी घी लगाया। उनको सूखी रोटी प्लेन मतलब जिसको झारखंड में बोला जाए तो रुखी रोटी बहुत पसंद है, तो वो वही यूज़ की है, लेकिन मैंने आज घी लगा दिया था। देखिए रोटी भी मेरी रेडी है, थोड़ी सी जल गई थी साइड से, लेकिन चलता है इतना, तो हस्बैंड कुछ नहीं बोले। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। थाली मेरी नॉर्मल है, लेकिन बनाने में जो मेहनत है, वीडियो बनाने में जो मेहनत है, वो अनलिमिटेड है। ओके, बाय बाय।